हाय गाइस, दिस इज समेदान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो वासी कहानी कुछ ऐसी है कि मतलब कल हम गए थे एक स्टेशनरी शॉप में पास वाले कुछ काम से, और वहां पर हमें दिख गया रंगीला कलर्स, मतलब डोम्स का टेम्परा कलर्स। जब हम छोटे थे ना, तब ये कलर्स आया करते थे कुछ 12 शेड्स में, और इनका प्राइस कुछ 20 से 25 रुपया था, और बहुत ब्राइट एंड वाइब्रेंट कलर्स रहते थे। और अभी मुझे ये दिखा ना, तो मुझे एकदम सारा पुराना दिन याद आ गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी से ले कुछ बना के देखे। और पैकेजिंग प्लास्टिक का पैकेजिंग मिलता है सिंपल सा, पीछे कुछ डिटेल्स लिखे हुए। जैसे अगर देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ 10 रुपीज जो MRP है इस कलर का, और टोटल यहाँ पे 6 शेड्स मिल जाते हैं, जिसमें से प्राइमरी कलर्स है और 2 ब्लैक एंड व्हाइट भी मिल जाते हैं साथ में। और खुलता भाई पुराने सेल में ऐसे क्लिप जैसा खोलोगे तो ये ऐसे खुलता है कुछ, और आधे भरे हुए डब्बे मतलब 10 रुपये में। ठीक है यार, मतलब कलर्स मिल रहे वही बहुत बड़ा बात है। और जब ड्राइंग कर रहे थे हम सोच रहे थे कि पोर्ट्रेट ही बना ले, और जब पोर्ट्रेट बना रहे हैं तो अभी थोड़ा सा ट्रेंड में IPL चल रहा है, तो हमारे फेवरेट टीम CSK, हमारे फेवरेट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम MS धोनी का पोर्ट्रेट क्यों ना बनाए। तो चलो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए हो, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, डू हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो हिट द बेल आइकन ऑफ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ड्राइंग में हम लोग जो भी स्टाइल फॉलो करने वाले हैं, वो थोड़ा सा आर्टिस्टिक अपील होने वाला है। मतलब हमारा ब्रश का स्ट्रोक्स पूरे अच्छे से दिखेंगे, और थोड़ा सा पैची वर्क रहेगा, क्योंकि हम इसको एक टेम्परा कलर से मतलब काइंड ऑफ पोस्टर कलर से ही कर रहे हैं। तो मतलब जब आप एक्रेलिक या पोस्टर कलर यूज करते हो तो कोशिश करो कि थोड़ा सा इसी टाइप में ड्राइंग किया करो, जिसमें आपका स्ट्रोक्स वगैरह अच्छे से दिखे, ड्राइंग थोड़ा पैची लगे। और अगर हाइपर रियलिज्म में थोड़ा सा करने जा रहे हो तो उसके लिए ऑयल एक बहुत परफेक्ट मीडियम है। वाटर कलर कर रहे हो उसमें भी आप बहुत अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो, बट अगर पोस्टर और एक्रेलिक में कर रहे हो तो कोशिश करो कि आपका वो जो स्ट्रोक्स दिखे, वो ब्रश का फ्लो दिखे, तो वैसा जब ड्राइंग होता तो करने में मजा आता है और ड्राइंग हमारा दिखता है बड़ा सुंदर है। तो थोड़ा मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि मैं जो कलर्स बना रहा हूँ वो कैसे, मैं कौन से कलर्स यूज कर रहा हूँ। तो आप मुझे स्किन टोन बनाने के लिए सबसे पहले लगेगा ऑरेंज, तो ऑरेंज बनाने के लिए हम यूज करने वाले रेड प्लस येलो, और उसके साथ में थोड़ा सा व्हाइट अप्लाई करने वाले हैं। तो अब इसी चीज़ को अगर हमें डार्क करना होगा तो हम इसके साथ में थोड़ा सा ब्लू को यूज़ करेंगे, सो दैट हमारा वो जो कलर है ना, स्किन का जो कलर है वो थोड़ा सा ब्राउन के शेड्स में जाएगा। तो उससे हम जो डार्क एरियाज रहेंगे, जो डार्क जैसे शेडोज़ वगैरह, तो उस चीज़ को हम उससे अप्लाई कर सकते हैं। ये जो पोर्ट्रेट है इसको हम टोटल 3 कीज में ख़त्म करने वाले हैं, हाई की, मिड की एंड लो की। मतलब आसान भाषा में बोलूँ तो 3 टोन, मतलब लाइट, डार्क एंड मिड टोन में ख़त्म करने वाला है इसको। तो जब भी हम पोस्टर कर रहे हैं, एक्रेलिक वगैरह में करते हैं ना, तो इस चीज़ में ध्यान बस इतना रखना कि पहले आप बेस लेयर कर लो, आपको जो भी शेड चाहिए, आपको ओवरऑल सब चीज़ में चाहिए, क्योंकि जो शेड्स होता है ना, क्योंकि हम यहाँ पर हमारे पास लिमिटेड कलर है जिसमें से हमें मिक्स करके वो सारे शेड्स निकालने हैं, ठीक है। तो आप एक बार फाइनल करके अपना जो टोन है उसको बना लो कि फेस का आपके जो स्किन टोन है वो क्या होने वाला है, उसको आप हर जगह पे अप्लाई कर दो, देन उसके ऊपर आप हाईलाइट्स एंड शेडो डाल के आपको उस चीज़ को अच्छे से निकाल देते हो। तो ये जो हाईलाइट्स है यही हमारे लाइट टोन होंगे, और ये जो शेडोज है यही हमारे डार्क टोन होने वाले हैं। अब लेट्स टेक सम येलो कलर और CSK का जर्सी बनाते हैं। में अभी हम थोड़ा सा येलो में थोड़ा सा जो रेड मिक्स करेंगे, रेड के साथ थोड़ा सा ब्लू मिक्स करेंगे, वो थोड़ा सा ब्राउन कलर लाने के लिए, सो दैट हम येलो जर्सी में थोड़ा थोड़ा जो शेड्स वगैरह स्ट्रोक्स आते हैं ना कपड़ा के, फ्लो आते हैं, उन सबको हम दिखा पाए। बियर्ड्स वगैरह जब भी हम बनाते हैं या फिर आईब्रोज वगैरह जब भी बनाते हैं तो डायरेक्ट डार्क शेड्स मत जाओ, पहले उसके नीचे भी एक लेयर होता है जो हमें डार्क डालना पड़ता है, जैसे कि जो स्किन टोन है उसका डार्क शेड वहाँ पे होगा, तो उसको कोशिश करो अप्लाई करने का, उसके बाद उसके ऊपर थोड़े थोड़े डिटेल में हेयर वगैरह बना सकते हो। अब इस सेम जगह को हमको अगर थोड़ा सा लाइट करना होगा तो हम सिंपली उसके ऊपर थोड़ा सा व्हाइट एंड येलो थोड़ा सा बढ़ाएंगे, सो दैट हमारा वो जो कलर है उसका लाइटनेस थोड़ा सा बढ़ जाए,
हाइलाइट्स को हम कोशिश करेंगे कि हम ड्राइंग के जब हमारा शेड्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम हाइलाइट्स पुट करें, क्योंकि हमें जो भी एरिया होंगे ना सबसे ज़्यादा लाइट पर जहाँ पर भी करना होगा उस जगह पे हम हाइलाइट्स को सबसे ज़्यादा वाइट दिखाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि नोज़ का टिप हो गया या फिर फोरहेड या चीक्स का कुछ पार्ट हो गया, तो उस जगह पर हमें हाइलाइट सबसे ज़्यादा देनी होगी। और जब भी मतलब पोस्टर एक्रेलिक वगैरह मीडियम से जब भी ड्राइंग कर रहे हो वाटर कलर वगैरह से, तो कोशिश करो कि डायरेक्ट कलर को यूज़ ना किया करो, जैसे कि येलो है तो येलो को डायरेक्ट अप्लाई मत किया करो, उसमें थोड़ा सा कुछ और ऑरेंज मिक्स कर लो या फिर रेड मिक्स कर लो अगर आपके पास है, क्योंकि वो जो कलर का फ्रेशनेस होता है ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है और आप अपने स्टाइल में उस ड्राइंग को कर सकते हो, आपके जो कलर स्कीम है जो कलर टोन है उसमें आपका ड्राइंग ढल सकता है, तो वो एक चीज़ का पूरा दिखता है। और कोशिश करो कि ब्लैक डायरेक्ट ब्लैक यूज़ करने से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। अगर इस ड्राइंग में देखोगे तो इस ड्राइंग में मैंने बस हेयर का जो टॉप पोर्शन है ना वहाँ पर एकदम स्लाइट ब्लैक का यूज़ किया है, क्योंकि मुझे वो डार्कनेस चाहिए था वहाँ पे, बाकी मैंने ड्राइंग में कहीं पर भी ब्लैक का यूज़ नहीं किया। जहाँ पर ही मुझे डार्क करना था वहाँ पर मैंने जो भी मैंने शेड्स बनाया था उस जगह के साथ मैंने ब्लू का यूज़ किया है। अगर आपको थोड़ी सी समझ हो जाएगी ना कलर्स की कि कलर्स को आप किस वे में यूज़ करो, मतलब कौन से कलर को आप एक साथ ब्लेंड करके एक साथ मिक्स करके आप कौन सा कलर निकाल सकते हो, अगर आपको उस चीज़ की समझ हो जाएगी कि आपको कौन सा कलर कितने क्वांटिटी में रखना है तो आपको ये शेड मिलेगा, या फिर इन तीन शेड्स के साथ हमें कौन चौथा शेड डालेंगे तो हमें कौन सा शेड मिलेगा, अगर आपको उस चीज़ की समझ हो जाएगी ना तो आप इन कलर से ना कोई सा भी कलर बना सकते हो और अपना पर्टिकुलर शेड चूज़ कर सकते हो, अपना पर्टिकुलर स्टाइल चूज़ कर सकते हो कलर का, एक जो कलर थीम होता है अपने ड्राइंग का वो रख सकते हो। तो उसके लिए आपको कलर्स को समझना बहुत ज़रूरी है, और ये समझने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा प्रैक्टिस का। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, उतना ज़्यादा परफेक्शन आएगा आपके ऊपर। खैर मैं बहुत टाइम बाद ये कलर्स यूज़ कर रहा हूँ, मतलब आई गेस जब मैं UKG या 1 में था तब मैंने इन कलर्स का यूज़ किया था, मतलब कौन सा ईयर हो गया 2007 या 2008, तो अभी ऑलमोस्ट 16 साल हो चुके हैं मुझे इन कलर्स को यूज़ किए हुए, और अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। बट जो फीचर्स है ना वो पोस्टर कलर के हिसाब से तो उतना ज़्यादा कुछ नया नहीं लग रहा है कि मैं बहुत टाइम बाद कुछ यूज़ कर रहा हूँ, बट पोस्टर कलर भी मैं 3-4 साल बाद यूज़ कर रहा हूँ, तो खैर एक्सपीरियंस तो मज़ा आ रहा करने में। ये कलर्स जो है ना ये थोड़े से स्टिकी साइड में थोड़ा सा ड्राई हो रहे हैं कलर्स बहुत जल्दी, शायद गर्मी है इसीलिए, और ट्यूब में भी कलर्स अब बहुत ज़्यादा ड्राइड थे ऑलरेडी, एंड कलर जो है वो थोड़ा सा हल्का सा डल मुझे लग रहा है, बट पोस्टर कलर्स है पोस्टर कलर इसी तरह से होते हैं। मैं पोस्टर कलर ज़्यादा करता नहीं हूँ, एक्रेलिक करता हूँ तो एक्रेलिक तो खैर ब्राइट होते हैं, ये उतना ज़्यादा ब्राइट नहीं, बट पोस्टर कलर के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क हो रहा है इन 10 रुपये वाले कलर से। फाइनली ड्राइंग हमारा होता है ख़त्म, अब लेंगे हम रेड कलर, क्योंकि रेड कलर थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहा है, और रेड कलर लेके हम डालेंगे अपना सिग्नेचर। बहुत पसंद आया, आप लोग अपना रिव्यू कमेंट करके बताना, और अगर कलर का मैं रिव्यू दूं तो कलर देखो थोड़ा सा स्टिकी साइड पे है और थोड़ा सा ड्राई है, बट ड्राई जो है वो हो सकता है कि गर्मी बहुत ज्यादा है उसके वजह से हो सकता है, बट ओवरऑल देखो तो 10 रुपए में आपको एक कलर मिल रहा है, मतलब 10 रुपए में आपको कुरकुरे का छोटा पैकेट मिल रहा है, बट ये आपको पूरा कलर मिल रहा है 10 रुपए में, जिससे कि आप एक बहुत खूबसूरत ड्रॉइंग बना सकते हो स्किल से थोड़ी, मतलब वैल्यू फॉर मनी तो खैर बहुत ज्यादा है, और कलर एज पोस्टर कलर की तरह ही कलर तो करने में बहुत अच्छा है। थोड़ा सा कलर थोड़ा सा हल्का सा ना वो क्या बोले जो ब्राइटनेस है ना कलर में वो थोड़ा सा कम है, बट 10 रुपए के हिसाब से बहुत अच्छा कलर है। तो आई होप आपको वीडियो देखने में मजा आएगा। इसी तरह से मैंने एक नटराज पेंसिल से एक हाइपर रियलिस्टिक ड्रॉइंग बनाया, उसके लिए ये वीडियो चेक कर लो, और ट्यूटोरियल्स देखना है कि मेरे ड्रॉइंग कैसे कर सकते हो तो उसके लिए ये प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, टिल देन बाय।